वेलकम बैक टू प्लांट्स लवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो बनाई मैंने। मैंने आपको ये दिखाना था गाइस कि जो है अपने गार्डन का ओवर रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप देख सकते हैं कि सारे प्लांट्स किस तरीके से सेट करके रखे हुए हैं। मैंने आप देख सकते हैं अरेंजमेंट कितने खूबसूरत तरीके से रखे हुए हैं। इसमें कुछ डेविल्स बैकबोन है, सदाबहार, स्पाइडर प्लांट, ये चंपा है, ये बीच में रखा हुआ है, और ऐसे ही लाइन तो बहुत सारे रखे हैं जिसमें से मनी प्लांट, नाइन ओ क्लॉक, एलोवेरा, ये देखें मनी प्लांट और वंडरिंग जो ट्रेल कर रही है कितनी अच्छी लग रही है। और गाइस ये आपको हैंगिंग भी नज़र आएंगे, आप हैंगिंग भी देखेंगे कितने अच्छे तरीके से अरेंज करके मैंने इनको हैंग किया हुआ है। तो आपके पास भी मतलब एक आइडिया आपको मिल सकता है कि आप भी इस तरीके से इनको हैंग कर सकते हैं। मनी प्लांट रखा हुआ है, इसमें जेड प्लांट है, यूका है, और भी चंपा है, बहुत सारे हैं। आप लाइन से ऐसी मतलब राज में रख सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे सारे। देखें कितनी ग्रीनरी मेंटेन रखी हुई है इन सारे प्लांट्स। और भी हैं, ये पेंसिल कैक्टस है आप देख सकते हैं, इसके बराबर में चाइना पाम है, एलोवेरा, पत्थर चट्टे का प्लांट, ये सारे बहुत बेनिफिशियल हैं आपकी ऑक्सीजन के लिए। गाइस ये एलोवेरा देखें, मैंने खुद मतलब ये छोटा सा बेबी एलोवेरा हुआ था तो मैंने उसको खुद ये ग्रो किया और ये इतना हेल्दी हुआ हुआ है आजकल। गाइस आप भी छोटे पॉट्स एक साथ रखें बंच बना के, बहुत अच्छा लुक आता है। मैं हमेशा ऐसे ही रखता हूँ छोटे पॉटों को एक साथ ताकि बहुत ग्रीनरी लगे और बहुत मतलब अच्छे से रहते भी होंगे। कम से कम 4 इंच के होते ना, उसमें रूट आ जाती हैं। गाइस अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर वीडियो चाहिए उसकी केयर की और जो भी डिटेल वीडियो होती है अगर आपको चाहिए तो आप प्लांट का नाम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।